और अब खबर करेरा से, जहां करेरा थाना परिसर में करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीओपी जीडी शर्मा, थाना प्रभारी सतीश चौहान, नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह के द्वारा आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हर समाज के लोगों से त्योहारों को लेकर संवाद किया और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। घटित होती है तो हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग एक दो दिन एक्टिव रहना, तो जब तक कि ईद ना हो तब तक एक्टिव रहना, ग्रुप को देखते रहना और सूचना पर डलने के बाद या हमारे बुलाने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप मौके पर आ जाएं, जिससे कि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। अब आती है बात करेरा की, इतिहास की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि आप करेरा का इतिहास उठा के देखें तो आज तक तो कोई ऐसा अप्रिय घटना यहाँ नहीं हुई है। करेरा के लिए हम जब ऊपर बात करते हैं अपने अधिकारियों से या मंत्रियों से या संतरियों से, तो छात्र खुल के बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। नहीं, अब यहाँ पे क्या है, एक करेरा में ऐसा नहीं हो सकता और हमारा करेरा का कोई इतिहास नहीं है। तो मेरा आप सबसे बस ये अनुरोध है कि आप जहाँ पर भी रहो, आप अभी यहाँ से जाओगे तो पूरे करेरा में फैल जाओगे आप लोग। तो आप अपने आप को जो है शक्ति पुंज समझें और करेरा के इतिहास को कलंकित ना होने दें। ये आपकी मैत्री आपकी ड्यूटी है, महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि करेरा के इतिहास को कलंकित ना होने दें। हमको थाने से वहाँ पहुँचने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप जहाँ हो वो आपके ज़्यादा पास होगा, आप तत्काल पहुँचे और आपको दूसरों को संभालने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा पक्ष है उसको संभालो, आप अपने पक्ष को संभाल लोगे। जब विवाद होता है तो विवाद की एक खूबी होती है कि हम जरूरी नहीं कि दोनों पक्षों को समझाएं, तो उसकी सूचना दे दें। तो उसके लिए आपको मेरा एसडीएम साहब का, डीआई साहब का, तहसीलदार साहब का नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शांति समिति का ग्रुप तो अभी बन जाएगा, लेकिन शांति समिति के ग्रुप में तो आपको डालना ही है। लेकिन मैसेज पढ़ने में हो सकता है एक आध घंटा हमको लग जाए या आधा घंटा लग जाए, तो तब तक वो विलंब बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, जब स्थितियाँ बिगड़ती है तो एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। उस जिसको हम पुलिस की भाषा में या प्रशासन की भाषा में रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं कि कुछ घटना घटित हुई और प्रशासन के द्वारा या संभ्रांत लोगों के द्वारा कितने जल्दी जो है उसमें रेस्पॉन्स दिया गया, प्रतिक्रिया दी गई है, ये इसी थ्योरी पे शासन चलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम चार जो बैठे हुए हैं इनका नंबर आपके पास सबके पास होना चाहिए, नहीं हो तो अभी ले लेंगे आप लोग सब लोग। दूसरी बात ये, पहला तो हो गया सूचना, दूसरा हो गया